और आज हम करने वाले onwards, तो मेरे साथ रहिएगा इसके बाद कीजिएगा अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर में हमसे कह रहे हैं शो दैट नाइन ट्वेंटीबल बाईन ठीक है यहाँ पर आपके पास एक नंबर गिवन है और आपसे कह रहे हैं कि भाई आप ये चेक करके बता दो कि क्या ये इलेवन से डिविजिबल है या नहीं यानी आपके पास नाइन ट्वेंटी फोर इज अ मल्टीपल ऑफ इलेवन और नॉट यानी इलेवन इज अ फैक्टर ट्वेंटी फोर और नॉट ठीक है बहुत सारी तरह से एक ही बात को हम कह सकते हैं पर, ठीक तो है? है. है? है है, इसको आप अप कर लो तो यहाँ पर हमारे पास कुल मिलाकर तीन डिजिट है ठीक है नाइन और फोर ऑल्टरनेट है यानी एक छोड़कर एक और एक टू है हमारे पास तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे जो ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं उसको हम एडअप करेंगे इसका सम इलेवन तो या जीरो आना चाहिए जो हमें इस बात को प्रूव करेगा कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय इलेवन हमने सिंपली क्या किया ऑल्टरनेट नंबर्स को हमने सम अप किया और उसके बाद हमारे पास जो दो आंसर्स आए उसको हमने डिफरेंस निकाल लिया उसको हमने सब्ट्रैक कर दिया यानी और 4 को किया और को किया उसको कर दिया, जो हमारे पास इसके अंदर बीच में नंबर मौजूद था टू से तो हमारे पास जो आंसर आया इट मीन नाइन ट्वेंटी फोर इज डिविजिबल बाय इलेवन उसके बाद हमसे कह रहे हैं अब यही टेस्ट आपको के साथ भी करना है अब इसके अंदर ऑल्टरनेट नंबर्स हमारे पास क्या है वन के बाद ऑल्टरनेट वन है और फिर उसके बाद जीरो छोड़ के एट है इसी तरह से ऑल्टरनेट नंबर हमारे पास जो इवन है वो कौन कौन से है सिक्स जीरो और फोर इसको कहते हैं ऑल्टरनेट नंबर यानी एक छोड़कर दूसरा ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वन प्लस वन प्लस एट ये हमारे पास आंसर आ रहा है टेन और दूसरी तरफ हम प्लस करेंगे सिक्स प्लस जीरो प्लस फोर इसका आंसर भी हमारे पास टेन आ रहा है अब हम सब कर देते हैं एक में से दूसरे को आंसर जीरो आ गया इसका मतलब है इट इज ऑल्सो डिविजल तो हम यहाँ पर अपना क्या यहाँ पर रीजन देंगे कि जी हाँ ये दोनों इलेवन से डिविजिबल है ये हमारे पास यहाँ पर जो इवन डिजिट्स हैं और जो ऑड डिजिट्स हैं इवन डिजिट्स का मतलब क्या है ऑल्टरनेट यानी कि पहला तीसरा पांचवा ये क्या है अल्टरनेट डिजिट्स होते हैं ठीक है दूसरा चौथा छठा आठवां ये क्या होता है है डिजिट्स होते हैं ठीक हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जो इनकी प्लेसमेंट है अरेंजमेंट है उसकी बात कर रहे हैं कि पहले नंबर पर तीसरे नंबर पर पांचवें नंबर पर इन सबका हमने यहाँ पर सब निकाला इसी तरह दूसरे चौथे और छठे नंबर पर जो डिजिट्स थे उनका हमने सम निकाला और फिर जो दोनों का सम आया है उसका हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया तो तो वो या इलेवन तो होना चाहिए या जीरो तो ऐसे नंबर का हमारे पास जो है वो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ इलेवन पास हो जाता है और वो नंबर डिविजिबल बाय इलेवन होते हैं इसी तरह से आप यहाँ पर ही कह देंगे सिंस द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेट इवन एंड ऑड डिजिट्स ऑफ जो दूसरा नंबर है हमारे पास दैट इज

और 3852 में हमारे पास जो डिजिट्स है ना वो एक जैसे हैं सिर्फ उनकी क्या है अरेंजमेंट डिफरेंट है उसमें से एक नंबर 7 से डिविजिबल है और दूसरा डिविजिबल नहीं है तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमसे क्या कहता है कि आप नंबर के जो लास्ट डिजिट है इसको उठाइए ठीक है और इसके बाद इसको आप डबल कीजिए ठीक है और जो बाकी आपके पास डिजिट्स बच रहे हैं ना उसमें से सब कर दीजिए टू फाइव एट में से सब कर दीजिए क्या आंसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पर टू फिफ्टी टू लास्ट डिजिट उठाया उसको डबल किया और बाकी जो नंबर ऑफ डिजिट्स बचे हैं ना उसके अंदर से हमने इसको सब किया आंसर क्या आया टू फिफ्टी टू अभी भी इसको चेक करना कि ये सेवन से डिविजिबल होगा या नहीं अब क्या करेंगे फिर से इसका जो लास्ट डिजिट होगा उसको उठाएंगे डबल करेंगे और जो बाकी डिजिट्स है ना उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे यानी 25 में से हम 4 को तो सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आंसर आया 21 अब 21 को चेक करना आसान है कि 21 7 से डिविजिबल है या नहीं तो जी हां 27 इज डिविजिबल बाय 7 थ्री आंसर आता है तो सिंस द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 अप्लाइज অন दिस नंबर तो दिस इज डिविजिबल बाय सेवन और इसी तरह से सेम यही काम हम करेंगे अब दूसरे वाले नंबर के साथ और चेक करेंगे कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो पर हमारे, पास जो है हमारे पास आंसर फोर आ गया और उसके बाद जो बाकी के डिजिट है उसमें से हमने क्या करना है इसको सब कर देना है तो हमारे पास यहाँ पर बच गया थ्री एट वन अभी भी चेक करना मुश्किल है अभी भी लास्ट डिजिट उठाया उसको डबल किया और उसके बाद थर्टी एट में से उसको सबक्रैक्ट कर दिया आंसर क्या आया हमारे पास यहाँ पर थर्टी सिक्स सिंह थर्टी सिक्स इज नॉट डिविजिबल बाय सेवन तो ये हमारे पास थ्री एट फाइव टू भी सेवन से डिविजिबल नहीं होगा यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल को यहाँ पर शो करके दिखाना था तो वो हमने यहाँ पर शो कर दिया कि ट्वेंटी वन जो हमारे पास यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करने के बाद आ रहा है वो सेवन से डिविजिबल है सेवन के टेबल में आता है इसलिए टू फाइव एट थ्री भी सेवन से डिविजिबल होगा हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे

ऑड नंबर हमेशा ऑड नंबर का ही मल्टीपल हो सकता है ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर का मल्टीपल नहीं होगा यानी इवन नंबर के टेबल में कभी भी ऑड नंबर नहीं आता तो कोई भी ऑड नंबर आ रहा है उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर से ही चेक करना है तो यहां पर हमारे पास ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव है हमने ये चेक करना है कि ये कौन से दो नंबर के साथ डिविजिबल है वन और टेन के बीच में अच्छा अब जब बिटवीन की बात आती है ना स्टूडेंट्स तो जो आपको लिमिट दी हुई होती है ये एक्सक्लूडेड होती है, है। यानी कि आपको किस किस के बीच में चेक करना है आपको टू से लेकर नाइन तक के बीच में चेक करना है ठीक है अब टू से लेकर नाइन तक के बीच में हमारे पास चार डिजिट तो इवन है टू फोर सिक्स और एट तो इससे तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्यूं? क्यों क्योंकि ट्वेंटी टू फाइव नाइनटी नाइन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर सो इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय नीदर टू नॉर फोर नॉर सिक्स और नॉर एट ठीक है नन ऑफ दी नन ऑफ दीज नंबर से ये डिविजिबल होगा बाकी क्या क्या बच्चे हमारे पास नंबर्स वन हमारे पास ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है क्योंकि वन हमारे पास बिटवीन के साथ दिया हुआ है अगर इन्होंने इक्वल टू और बिटवीन कहा होता तो हम यहाँ पर वन को ले सकते थे तो हमारे पास कौन कौन से नंबर बच रहे हैं थ्री फाइव सेवन और नाइन हमें इन चार में से चेक करना है कि इनमें से कौन से दो नंबर से ये डिविजिबल होगा और कौन से दो से ये डिविजिबल नहीं होगा तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं थ्री के साथ तो 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 हमने याद कर लिया है 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 ना को आपने चेक करना है कि वो से divisible है या नहीं और आपके पास जहां पर डिविजिबल बाय थ्री होगा वो गिवन नंबर डिविजिबल बाय थ्री हो जाएगा और अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय नाइन भी हो तो वो नंबर डिविजिबल बाय नाइन भी हो जाएगा तो अब क्योंकि ट्वेंटी सेवन इज डिविजिबल बाय नाइन एंड बाय थ्री इसका मतलब है ट्वेंटी टू फाइव नाइन नाइन it is also divisible by 3 and by 9 simple इतनी सी बात है बस कि आपको यहाँ पर ही चेक करना है सम ऑफ डिजिट्स आपके पास जो आ रहा है वो डिविजिबल बाय थ्री है और नाइन है या नहीं तो यहीं से हमें ये बात पता चल गई कि जो ऑफ डिजिट्स है ये डिविजिबल बाय थ्री और नाइन दोनों है इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो गिवन नंबर है ये वन और टेन में के बीच में इसके सिर्फ दो फैक्टर्स आते हैं और वो कौन से हैं थ्री एंड नाइन तो हमने यहाँ पर शो कर दिया बाकी अब हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि ये सेवन और फाइव के टेबल में आता है या नहीं वैसे फाइव का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें देखते ही सामने नजर आ रहा है कि लास्ट डिजिट जीरो या फाइव होना चाहिए तो वो दोनों नहीं है फाइव से डिविजिबल नहीं है ये नंबर और सेवन का अभी हमने चेक किया कि लास्ट डिजिट को डबल करो और बाकी डिजिट्स में से सब ट्रैक कर दो तो तो वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की हमारे पास टू टू फाइव Nine, nine है यहाँ पर तो हम क्या करेंगे कि जो लास्ट डिजिट है नाइन को मल्टीप्लाई करेंगे टू से और टू टू फाइव नाइन के साथ इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास हम यहाँ पर इसको चेक करते चले जाएंगे तो वो एटीन आएगा सब करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा टू टू फोर वन अभी भी बड़ा बड़ा है ये नंबर तो इसको वन को डबल करके टू टू फोर में से सब कर दे तो अब आप सब करें टू टू फोर में से तो आपके पास आंसर आता है टू 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 अभी भी ये नंबर ग्रेटर है अभी भी आप लास्ट डिजिट को डबल करें और इसमें से सब्रैक्ट कर दें तो फोर ठीक तो है, है, तो मतलब है नाइन है।, है ये भी सिमिलर हमारे पास है इसमें हमसे कह रहे हैं कॉपी एंड कम्प्लीट द फर्स्ट लाइन है आपको ये पता लगाना है कि ये जो आपके पास नंबर है इस टेबल के अंदर इसमें से कौन कौन से नंबर वन से लेकर टेन तक के

नॉट बाई एट नॉर्ट बाई नाइन अब हम वन ट्वेंटी थ्री को अगर चेक करें स्टूडेंट्स, तो ये हमें यहीं पर नजर आ रहा है कि ये टू से डिविजिबल नहीं होगा थ्री से अगर हम चेक करें तो वन प्लस टू प्लस थ्री सिक्स होता है तो ये थ्री से डिविजिबल हो जाएगा तो हमने यहाँ पर थ्री लिख दिया उसके बाद फोर से डिविजिबल नहीं हो सकता सिक्स से डिविजिबल नहीं हो सकता एट से डिविजल नहीं हो सकता और नाइन से भी डिविजल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नाइन तो से भी डिविजिबल नहीं होगा तो अब कौन कौन से नंबर हमारे पास बच गए यहाँ पर टू थ्री के बाद फोर Four से डिविजिबल नहीं है हमने कहा इवन नंबर से तो है नहीं फाइव से भी डिविजिबल नहीं है ये क्योंकि इसका लास्ट डिजिट फाइव या जीरो नहीं है फिर सेवन से अगर हम चेक करें तो सेवन से आप चाहे तो डिवाइड करके चेक कर लें छोटा सा नंबर है और चाहे डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई कर लें तो सेवन आर सेवन बच गया फाइव फिफ्टी थ्री तो सेवन के टेबल में फिफ्टी थ्री नहीं आता इसका मतलब है कि फिफ्टी थ्री वन ट्वेंटी थ्री इससे भी डिविजिबल नहीं है उसके बाद हमारे पास कोई नंबर और बचा ही नहीं इसका मतलब है कि वन से लेकर टेन के बीच में सिर्फ वन ट्वेंटी थ्री का एक ही फैक्टर है दैट इज थ्री उसके बाद वन टू थ्री फोर तो वन टू थ्री फोर इवन नंबर है सबसे पहले है, ये टू से डिविजिबल होगा नेक्स्ट हमारे पास जो इवन नंबर है उसको भी हम टू से यहाँ पर डिविजिबल कर कर देते हैं उसके बाद थ्री से इसको अगर चेक करें तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर टेन होता है तो थ्री से डिविजिबल नहीं है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव फिफ्टीन होता है तो ये थ्री से डिविजिबल होगा एक साथ साथ हम करते चले जाते हैं इसी तरह से वन प्लस टू प्लस फोर फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स ये हमारे पास इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है इसका सम ऑफ डिजिट्स हमारे पास आ रहा है uh, 15, 15 6, 21. तो ये भी हमारे पास थ्री से डिविजिबल होगा

क्योंकि तो ये जो डिजिट है वो जीरो है या फाइव है तो ही वो फाइव से डिविजिबल होगा या नहीं इसमें से हमारे पास सिर्फ वन टू थ्री फोर फाइव के अंदर जो है लास्ट में फाइव है तो ये फाइव से डिविजिबल हो जाएगा बाकी और कोई भी नंबर फाइव से डिविजिबल नहीं होगा उसके बाद के लिए हमारे पास क्या था कि हर वो नंबर जो टू और थ्री दोनों से डिविजिबल होगा वो सिक्स से डिविजिबल होगा तो हमें इसके लिए कुछ और करने की जरूरत ही नहीं देख लो जहां पर टू और थ्री दोनों फैक्टर्स मौजूद हैं वहां पर सिक्स भी फैक्टर हो जाएगा तो ये सिर्फ लास्ट के अंदर है कि जहां पर टू और थ्री दोनों फैक्टर्स है बाकी कहीं पर भी टू और थ्री दोनों फैक्टर्स नहीं है सिवाय ट्वेल्थ के तो वहां पर आप देख सकते हैं कि टू और थ्री के साथ सिक्स भी हमारे पास फैक्टर मौजूद है फिर सेवन के डिविजिबिलिटी रूल के लिए अभी हमने सेवन का चेक किया वन ट्वेंटी थ्री को वो तो नहीं है 1, 2, 3, को हम चेक कर लेते हैं कि क्या वो सेवन के टेबल में आता है तो वन टू थ्री फोर को हम तो पता चल जाएगा और आप इसको डिविजिबिलिटी रूल भी अप्लाई कर सकते हैं कि लास्ट डिजिट को डबल करके बाकी में सब ट्रैक करके कर देख लें मुझे यहाँ पर ये ज्यादा आसान लग रहा है मैं इसको यहाँ पर तरह कर लेती हूँ सेवन वन जार सेवन बच गया आ फाइव फिफ्टी थ्री सेवन सेवनजार फोर्टी नाइन बच गया फोर और फिर फोर उतारा तो सेवन के टेबल में फोर्टी फोर नहीं आता इसका मतलब वन टू थ्री फोर फाइव को हम चेक कर लेते नहीं तो वन टू थ्री फोर फाइव को हम चेक कर लेते हैं फोर फिर फोर्टी फोर सेवन सिक्स फोर्टी टू फिर बच गया टू फिर ट्वेंटी फाइव तो सेवन ट्वेंटी फाइव से डिविजिबल नहीं।, मतलब नहीं है इसका मतलब डिविजिबल नहीं है फिर हम इसको इस वाले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स को हम जो है वो जो दूसरा वाला हमारे पास डिविजिबिलिटी uh, रूल है उससे चेक कर लेते हैं सिक्स को डबल करें सब करें इसमें से क्या आंसर आता है बीबी ग्रेटर इसको डबल करें इसमें से सब करें देखिए क्या आंसर आता है फिर इसको डबल करें और इसमें से सब करें तो क्या आंसर आता है यहां पर आपके पास ट्वेल्व में से फोर गया एट और उसके बाद इलेवन में से वन गया 10, 108. फिर इसको डबल करके और चेक करें तो वन नहीं जीरो आता। नहीं आता। मतलब है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी 7 से डिविजिबल नहीं है फिर एट से हम चेक करना हो तो स्टूडेंट्स जो फोर के टेबल में नहीं आ रहा वो एट के टेबल में भी नहीं आएगा लास्ट वाले को हम चेक कर लेते हैं कि लास्ट के थ्री डिजिट्स हमारे पास एट से डिविजिबल है या नहीं फोर फिफ्टी सिक्स को एट से चेक कर लेते हैं तो फोर एट फाइव हजार फोर्टी बचा फिफ्टी सिक्स एट सेवन हजार फिफ्टी सिक्स तो जनाब ये एट से भी डिविजिबल हो गया वेरी गुड ठीक है उसके बाद बच जाती है nine की बात तो हमने कहा था कि सम ऑफ डिजिट्स को से डिविजिबल होना चाहिए तब ही इसका सम ऑफ डिजिट हमारे पास क्या होता है plus 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 15, तो फिफ्टीन इज नॉट डिविजिबल बाय नाइन तो इसलिए इज नॉट डिविजिबल बाय नाइन लेकिन अगर इसके अंदर मैं प्लस सिक्स कर दू तो यहाँ पर मेरे पास बन जाता है ट्वेंटी वन ठीक है ट्वेंटी वन भी नाइन से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये नंबर भी हमारे पास नाइन से डिविजिबल नहीं होगा और यहां पर हमने सारे नंबर्स को चेक कर लिया कि वन से लेकर टेन्थ तक के बीच में हमारे पास ये कहाँ कौन कौन से नंबर इसके फैक्टर्स हो सकते हैं ठीक है थीके? तो यहां पर हमारी आज का जो लेसन है वो कंप्लीट होता है आई होप स्टूडेंट्स आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दीडियो टिल द एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक केयर अल्लाह हाफिज